जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर बुरहान मुजफ्फर वानी समेत 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। बुरहान के सिर पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर बॉय बुरहान वानी के एनकाउंटर में ढेर किए जाने के बाद घाटी में तनाव फैल गया है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर में कई तरह के एहतियातन कदम उठाए गए हैं। पवित्र अमरनाथ यात्रा को अगले आदेश तक रोका गया है। इसी के मद्देनजर पुलवामा और श्रीनगर के कई हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने अलगाववादी नेताओं के हड़ताल का आह्वान करने के बाद कई स्थानों पर शहर के प्रवेश मार्गों एवं मुख्य सड़कों को बाधित कर दिया। अलगाववादी नेताओं को एहतियातन नजरबंद रखा गया है। कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है, जबकि दक्षिण कश्मीर में मोबाइल फोन सेवाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया। जवानों ने कल हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी को अनंतनाग में मार गिराया। बुरहान कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का पोस्टर बॉय था। 2011 में वो हिजबुल में शामिल हुआ। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में बुरहान सहित 3 आतंकी मारे गए। बुरहान को हिजबुल का टॉप कमांडर माना जाता था, जिसने सोशल मीडिया के जरिए आतंकवाद को दक्षिणी कश्मीर में फिर से जिंदा किया। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।